मैं पहली बार आया सी बाई दे घर 2019 च जी। उदों बिग बर्ड भी आए हुए सी जी। मैंने सुना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो सिद्धू मूसेवाले की वजह से ही जो है फेमस हुआ। हाँ जी बिल्कुल सही जी। इससे पहले कोई नहीं जानता था। नहीं जी, उन्होंने ही रोशन किया जी नाम। उनको पसंद नहीं करते थे, वो गन दिखाते थे इस वजह से। पसंद तो करते सी पर सुनने का टाइम नहीं साढ़े कोले। मैंने भी ये चीज देखी है, नोटिस करी है कि लोग जो है बाद में जो है किसी को याद करते हैं। के गाने सुनते थे? Yeah. कौन सा गाना बहुत पसंद? 295 जो उनका जो लास्ट गाना था। अभी यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? तो अभी मैं जिस प्लेस में खड़ी हूँ, जिस जगह में खड़ी हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाले का जो स्टैचू है वो लगा हुआ है यहाँ पर। हालांकि दो स्टैचू हैं, एक जो है वो उनके जो छोटा स्टैचू साइड में लगा हुआ है, और इसके अलावा वो जो उनका जो एक पोज था जो कि बहुत फेमस हुआ था, उनके ये जो फादर हैं उन्होंने भी जो है स्टेप किया था, वो वही वाला स्टेप जो लगा हुआ है। माइक उनका उनके हाथ में है। इसके साथ ही बाकी चीज़ें भी छोटी छोटी वहाँ पर है, उनका घर, इसके अलावा जो उनके खेत है और जो उनका ट्रैक्टर था वो भी है यहाँ पर। और जिस तरह से जो यहाँ पर लोग भी हैं उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो खेतों में काम करते थे, जहाँ जो बड़े बड़े सिंगर होते हैं वो फेमस होने के बाद नहीं आते दोबारा खेतों में, ज़मीनों में नहीं आना चाहते। लेकिन सिद्धू मूसेवाले की यही वजह थी, और कि लोग उनको चाहते हैं कि जो उनका जो अपनापन था, जो उनकी ज़मीनी हालात जो थे, जो ज़मीन से वो जुड़े हुए थे, और यही वजह है कि लोग उनको अभी भी चाहते हैं। और काफ़ी सारे लोग जो है लगातार अलग अलग जगह से उनसे उनके साथ उनके स्टैचू के साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, उनको देखने आ रहे हैं। और काफ़ी फैमिली जो है वो भी आई है। एक यहाँ पर अंकल खड़े। अंकल आपका नाम क्या है? बलराज सिंह। आप यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। कहाँ से आए हो? खुटिया से आए हैं। यहाँ से कितनी दूर है? इतना का 150-200 किलोमीटर। यहाँ पे आके कैसा लगा? अच्छा लगा जी। सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनते थे? सुनते थे। पहले से सुनते थे, बाद में सुनते? बाद में ज्यादा सुन लग गए। पहले नहीं सुनते थे? पहले क्यों नहीं सुनते? पहले काम बनी ख्याल सी थोड़ा जा। काम आम नहीं देखा था आपने उनका? क्या बोल रहे हो आप? मेरे को पंजाबी थोड़ा नहीं। इलेक्शन जो बिच बड़े उदू पता लगे सन था जी। जब वो इलेक्शन में खड़े होते तब से पता चला कि कोई सिद्धू मूसेवाला है, क्योंकि लोग उनको पसंद नहीं करते थे, वो गन दिखाते थे इस वजह से। पसंद तो करते थे पर सुनने का टाइम नहीं साढ़े कोले। टाइम नहीं है, बाद में सुने तो बाद में समझ आए। अब कौन सा गाना जो है उनका अच्छा लगता है? अब 295 मेला। स्टैचू देख के कैसा लगा? स्टैचू तो हम सू तो बहुत औखा होया पे भी कितने तो उन्होंने असं आप खुद मिलना सी कि हम असं उन्होंने स्टैचू देख रहे हैं। कभी नहीं मिले आप उनसे? नहीं उनसे नहीं मिले। कभी उनका जो गाने वाने का जो इवेंट है उसमें कभी अटेंड किया? नहीं, वैसे लाइक लुक तो करते ही सी, पर वैसे गांव ऐसे कितनी दूर है? हैगा साडा 90 किलोमीटर। तो कभी ऐसा मतलब उससे पहले जब आप बता रहे हो आपने पहले भी गाने सुने तो सोचा नहीं सिद्धू मूसेवाले को देखा एक बार? नहीं, वैसे साडे उधर जो लाइव प्रोग्राम होंदे सी असी उठे देख रहे सी। हां जी, कैसा लाइव प्रोग्राम में कैसा लगता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लगता है कि ऐसा ना होता तो आज हम उनको सामने देखते। आप देख सकते हैं कि लोग जो है किस तरह से कई सारे लोग, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है, नोटिस करी है कि लोग जो है बाद में जो है किसी को याद करते हैं। और जैसे कि एक इमेज जो बना रखी थी जिसको लेकर सिद्धू मूसेवाले ने गाने भी बनाए कि जो उनकी इमेज जो है वो ख़राब दिखाई जाती थी, जो उनके दुश्मन थे, जो उनसे नफरत करते थे, वो उनकी इमेज जो है ऐसी बना दी थी कि लोग जो है उनके गानों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में जो है उनके गाने पसंद है। आपका नाम क्या है? आपका रमनदीप कौर। मैम कहाँ से आए हो आप? मानसा से। मतलब आप उनके डिस्ट्रिक्ट से हो? हाँ जी मैम। तो कैसे लगते थे सिद्धू मूसेवाले आपको? अच्छे लगते थे मैम। अभी पहली बार आए हो? बहुत बार आ चुके? पहली बार ही आए। पहली बार? हाँ जी। कैसे लगा उनका स्टैचू? फिर वो ऐसा लग रहा है कि वो यहीं खड़े हैं? हाँ मैम बिल्कुल जी, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। मैंने सुना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो सिद्धू मूसेवाले की वजह से ही जो है फेमस हुआ। हाँ जी बिल्कुल सही जी। इससे पहले कोई नहीं जानता था? नहीं जी, उन्होंने ही रोशन किया जी नाम। नाम रोशन किया? आपने कभी उनको देखा है रियल में? नहीं जी, कभी नहीं देखा। नहीं नहीं, कभी जो है जब उनके गाने सुनते तो आपको लगता था कि आप उनसे मिलने आओ? मिलने को तो मैम बहुत दिल करता था पर मिल नहीं सके जी कभी। और आप ये बच्चे को भी ले गए? ये भी गाने सुनते हैं सिद्धू मूसेवाले का? हाँ, ये भी सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनते हैं। कौन से गाने सुनते हो आप उनके? जो उनके बहुत जो पहले फेमस हुए थे। कौन से गाने फेमस हुए थे? सभी सभी गाने फेमस हुए थे। अच्छे लगते हैं वो आपको? यस। कितनी बार सुन लेते हो?
बार। पांच बार सुन लेते हो? अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जो उनके सभी गाने जो हैं फेमस हुए थे वो सुनते थे, और हमें भी लगा, जिस तरह से मैं लगातार इस बात को भी कह रही हूँ कि जब हम पंजाब आए तो हमें बिल्कुल जो है लगा कि हम यहाँ पर आए, और यही वजह है कि हमने भी अपनी टीम से कहा कि हमें यहाँ जाना है, और यहाँ पर आके आज हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और लोग जिस तरीके से उनको चाहते हैं, और ऐसे लग रहा है कि मैं किसी टूरिस्ट प्लेस में आई हूँ। लगातार लोगों का तांता बना हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग उनके स्टैचू के पास जो है खड़े होकर फोटो क्लिक करा रहे हैं। हालाँकि आप देख सकते हैं कि जगह को अभी बनने में जो है कहीं ना कहीं जो वक्त लग रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा यहाँ पर जो है म्यूज़ियम बनाया जाएगा उनका, और लोग जो हैं यहाँ पर आएंगे, और लोग लगातार जिस तरीके से अभी भी आप उस तरफ देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो है लगातार खड़ी हुई हैं, और कहा जा रहा है कि रविवार के दिन यहाँ पर इतनी भीड़ होती कि पूरा मेला लगा होता है। कहाँ से आए आप? यूके से आए हो? आप हिंदी बोल लोगे? पंजाबी थे, कोई नहीं, थोड़ा सा पंजाबी बोल दो। कब आए आप यूके से? लास्ट वीक आए हो आप। तो कितनी बार, मतलब आप यहाँ पे पहली बार आए? पहली बार आप उनके गाने सुनते थे? कौन सा गाना बहुत पसंद? 295 जो उनका जो लास्ट गाना था। अभी यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है? आप जो है सिद्धू मूसे वाले के फ़ैन थे आप उनसे पहले, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बता रहे हैं कि जब वो मतलब इस दुनिया से चले गए तब जाके लोगों ने उनके गानों पर ध्यान दिया। आप कब से सुनते हैं? जब से वो गाना आया था, इसका पहला चकला मुकाबला, और ऐसे गाने हम सुनते आ रहे हैं। ये तो मेरे को भी नहीं पता कि कब से है, बट म्यूज़िक और जैसे ये इंडस्ट्री के अंदर ये आया तो काफ़ी इसके गाने हिट हुए और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पर आए और काफ़ी टी शर्ट्स और फोटोज़ भी लगी, आप क्या लेके जा रहे हैं? सुविनियर्स के अंदर तो फिलहाल अभी टी शर्ट्स ही लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ इंडिया से बल्कि आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आए हैं, फॉरेन से भी लोग आए हैं, यूके से, अभी हमें इंग्लैंड से भी कुछ लोग जो है मिले थे जो कि इंग्लैंड से आए थे, और वहाँ से एक आंटी जो है वो इमोशनल भी हो गई, और उन्होंने किस तरीके से वो उन्हें याद करती ये भी बताया। और मैं ये सवाल ज़रूर लोगों से इसीलिए कर रही हूँ कि आप उनके गाने पहले सुनते थे या बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनके जाने के बाद जो है उनके गाने का सही मायना क्या है, सही लिरिक्स क्या है, क्या वो अपना दर्द उसमें बयां करते थे, या जो असली बातें है जो इस तरीके से उनके साथ जो गुजर रही होती थी वो चीज़ें बताते थे, और सोशल इश्यूज जो हैं उनके बारे में बात करते थे, और यही वजह है कि जो उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको दिल से चाहते हैं। तो हमें जब हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर उनके एक बहुत बड़े फ़ैन, और या यूँ कहिए कि उनके साथ काम करने वाले उनके दोस्त यार जो हैं मनप्रीत मिले। और मनप्रीत किस तरीके से जो सबसे ज़्यादा अच्छी मेमोरी है आपके अभी भी दिमाग और दिल में अभी भी बसती है? जब मैं पहली बार आया सी भाई दे घर 2019 च ही, उदों बिगवड़ भी आए हुए सी। मैं जो बाई को गया तो बाई अपने कोई जो आइडल नूं आपां मिलदे आ अपने मन च उत्साह हुंदा वी हाँ, बंदे अखां भरिया हुंदियां। मैं जो बाई दे पैरी हत्थ लाउण लग्या बाई कहिंदा नहीं जाण इह कम नहीं करदे हुंदे, कहिंदा जिहड़े भरा हुंदे उहनां गले लगदे हुंदे आ। ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਾਈ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਨੇ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਹਾਂ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੇ ਜੋ ਉਨਕਾ ਸਟੈਚੂ ਬਨਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਆਤੇ ਆਪ? ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਤਾ ਹੂੰ, ਸੰਡੇ ਡੇਲੀ ਆਤਾ ਹੂੰ। ਸੰਡੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਤਨੀ ਭੀੜ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇ ਪੈਰ ਦੰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਲੋਕ ਆਤੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਵੇਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਨੇ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹਿਤੇ ਮੈਂ ਜਹਾਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਤੇ? ਹਾਂ ਮੈਮ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਹ ਆ ਕੇ ਚਲ ਜਾਤੇ ਹੈ, और फिर सारा दिन लोगों को मिलना होता है इसीलिए वो गर्मी रहते हैं। लोगों से मिलते तब आप कभी आपने वो जो जब वो लोगों से मिलते आप तब वहाँ पर गए हैं? जी मैं जाता रहता हूँ, मिला हूँ। मैं इतना हमारा भी मेरा दिल नहीं करता भी गल करने, क्योंकि उनका फेस देख के ना रोना आ जाता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से मनप्रीत जो उनके फ़ैन थे उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कि किस तरीके से जब वो पहली बार उनसे मिले, और हर बार जो है उनके चाहे वो इलेक्शन का वक्त हो या फिर उनके गाने का कोई प्रमोशन हो, मनप्रीत वहाँ पर जाते थे, और यही वजह है कि सिद्धू मूसे वाले को लोग पसंद करते थे, और यही बात जो है वो अभी भी लोग अपने दर्द अपने आंसुओं के ज़रिए
बयां करते हैं।